आइए आज हम जरा सने की कहानी सुनते हैं। मगध के सम्राट बृहद्रथ के दो पत्नियां थी। जब दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वे महात्मा चंडा कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा चंडा कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल वे अपने पति को खिला दे, इसे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वे फल काट कर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ। फल को खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा आधा था, अर्थात आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबरा कर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़े को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहाँ से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के दो टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक होते ही वह शिशु दहाड़े मारकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली। उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम जरा था। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरा संग रखा, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संगीत किया था, अर्थात जोड़ा था, इसलिए उनका नाम जरा संग रखा। जरा संग की खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर घर युद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था। उसने राज्य में कई अखाड़े थे। वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन ब्रह्मांड के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे उसकी के लिए ललकारा। लेकिन जरासंध समझ गया कि ये ब्रह्मा नहीं है। तब वह श्री कृष्ण के ने अपना वास्तविक परिचय दिया और कुछ सोचकर अंत में जरासंध भीम से कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को चांगा से उखाड़ कर कई बार दो टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और जरासंध फिर से युद्ध करने लगा। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए। उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को दो फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की ओर तथा दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया। कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसिव यज्ञ कराना चाहते हैं और अपना लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। बिहार के राजगृह में उपस्थित है कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने
बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले बृहद्रथ ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। बृहद्रथ अपनी शूरता के लिए मशहूर था। सोन भंडार गुफा में आज भी दबा पड़ा है। जरासंध का खजाना इस गुफा में दो गच बने हुए हैं। ये दोनों गच पत्थर की एक चट्टान से बंद है। गच के एक माना जाता है कि यह सुरक्षा कर्मियों का कमरा था, जबकि दूसरी गच के बारे में मान्यता है कि इसमें सम्राट बिंबिसार का खजाना था। कहा जाता है कि अभी भी बिंबिसार का खजाना इसी गच में बंद है। वादियों के मुताबिक गुफाओं की असाधारण बनावट ही लाखों टन सोने के खजाने की सुरक्षा करती है। इन्हीं गुफाओं में छिपे खजाने तक जाने का रास्ता एक बड़े प्राचीन पत्थर के पीछे से होकर जाता है। कुछ मानना है कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता भैरवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो सोन भंडार गुफा के दूसरी तरफ है। तो आइए प्रेम से बोलते हैं राधे राधे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।